नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप देख रहे हैं सावधान छत्तीसगढ़। और दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि अभी एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा था, शायद मुझे अभी अभी पता चला जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि राज साहू जी एक पोस्ट की हैं। पोस्ट था कि आरू साहू के बारे में था कि लोगों के समर्थक मतलब आरू साहू के समर्थक जैसे मैदान पे उतर कर आए हैं ट्विटर पर, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा था कि कोई कोई संगठन है जो आरू साहू के जैसे छठ गीत गाने पर, जैसे भोजपुरी के छठ गीत होते हैं, तो उसके गाने पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि बायकॉट आरू साहू, हैशटैग लगाकर बायकॉट आरू साहू, जैसे फेसबुक पर। अब क्या है, आजकल मैंने फेसबुक चलाना छोड़ दिया है, एकदम से नहीं छोड़ा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं इंस्टाग्राम पे अगर कुछ डालता हूँ तो फेसबुक पे आ जाते हैं, और एक दो बार बीच बीच में, मतलब बहुत कम मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कलाकार जो होते हैं, या फिर आरू साहू ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए आरू साहू को आप लोग बैकआउट करना चाहते हैं, क्यों, किस लिए, कारण क्या है? कारण मैं बताऊँ, आप लोग ज़बरदस्ती कारण सामने ला रहे हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार भोजपुरी एवं हिंदी में काम करते हैं, आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? आप उन्हें भी मना कीजिए, वो भोजपुरी और हिंदी में काम क्यों करते हैं? मराठी में भी जाकर काम करते हैं, क्यों करते हैं? मराठी के लोग, भोजपुरी के लोग, या फिर हिंदी सिनेमा के लोग, या फिर साउथ के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर काम करते हैं, आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? आप इतने सपोर्टर हैं छत्तीसगढ़ के, आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर इतने जागरूक हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ के लोग इतने कैटेगरी में वीडियोस बना रहे हैं, आप उन लोगों को मना क्यों नहीं करते जो दारू जैसे चीज़ों का सेवन के बारे में बता रहे हैं? आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? आप उनका विरोध कीजिए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध आपको करना चाहिए, लेकिन आप उनका विरोध नहीं करते। आप किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं? कि आरू साहू जी ने एक गाना गाया छठ माई का, भोजपुरी गीत। तो ज़रूरी ये नहीं है भैया कि एक जो कलाकार होता है उसका कोई जात धर्म या फिर किसी भी संस्कृति से, किसी भी भाषा से वो गा सकता है। आरू साहू ने वही किया, उनको गाने का मन किया भोजपुरी सॉन्ग, उन्होंने भोजपुरी सॉन्ग गाया। हिंदी संकल को मन करे हिंदी सॉन्ग भी गाएंगे, साउथ हो गया, उड़ीसा हो गया, मलयालम हो गया, जो मन में आए वो करेंगे, जो ऑफर आए वो करेंगे। वो कलाकार हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ से जो ऑफर आएगा वो करेंगे। यहाँ भी तो छत्तीसगढ़ में हिंदी एल्बम बन रहे हैं, हिंदी वीडियो बन रहे हैं, हिंदी फिल्में बन रही हैं। अभी हाल ही में अक्षय कुमार रायगढ़ में आए थे यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, तब आप लोग कहाँ गए थे, उसका विरोध क्यों नहीं किया? इससे पहले भी कई लोग यहाँ पे आए, जैसे कि आशुतोष राणा जी, परेश रावल जी, परेश रावल, या फिर सुनने में आया था अजय देवगन जी के यहाँ पे वेब सीरीज शूटिंग हो रहा था, कई लोगों की यहाँ पे शूटिंग हुआ है बॉलीवुड वालों की, तब लोग, आप लोग कहाँ थे? टूरा चाय वाला पूरी फाइटिंग सीन साउथ वालों ने आकर किया है, तब आप लोग कहाँ थे? कहाँ थे भैया, कहाँ थे, मैं पूछता हूँ कहाँ थे? अपने छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकार भोजपुरी में जाकर काम कर रहे हैं। एक जितेंद्र जी का फिल्म आया था यहीं साउथ में, साउथ बोलता हूँ यार, सॉरी, अपनी छत्तीसगढ़ में ही फिल्म शूट हुआ था जिनका, जिसमें जितेंद्र जी एक पान ठेला खोले रहते हैं, और जिसमें उपासना वैष्णव जी, जिसमें एक MLA या फिर किसी नेता नेता की कैटेगरी में है, और तमाम सारे छत्तीसगढ़ के कलाकार हैं, जिसमें हीरोइन का एक भी डायलॉग देखने गए हैं उसमें। हाँ, ये कुत्ते को कुछ बुलाते हुए ऐसा ज़रूर थोड़ा बहुत सुना गया है, लेकिन उसका डायलॉग अपने को पता नहीं, नाम ठीक से याद नहीं आ रहे अपने, क्योंकि भैया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बना है फिल्म, छत्तीसगढ़ के कलाकारों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बाहर के लोग हैं ना यहाँ छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं काम करने के लिए, या फिर यहाँ शूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ का भैया बजट कम है, बाहर में इसी चीज़ का बजट ज़्यादा है, यहाँ कम है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले भी वो क्या
क्या था यार, एक और कलाकार आए थे, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। नाम याद नहीं आ रहा इसका। ये बंदा भी यहाँ पे आया था, यहीं कोरबा सतरंगा तक आया आया था ये बंदा, और बोल के गया है वहाँ पे कि अपन शूटिंग करने के लिए इस जगह पे आएंगे वापस। तब तो मैं क्या बोलता हूँ कि अपना ना कोई जात पात कोई धर्म नहीं है, हम कलाकार हैं भैया, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ आरू साहू जी की, या तो आप लोग हैशटैग लगा रहे हो आरू साहू जी बॉयकॉट, मतलब आरू साहू बॉयकॉट, तो क्यों बॉयकॉट भैया, वो अपने टैलेंट दिखा रही है, वो भोजपुरी में गा सकती है, हिंदी में गा सकती है, मलयालम तेलुगु, जिस भाषा में उसको कंफर्टेबल मिले, जिस भाषा में उसकी आवाज़ को लोग सुनना चाहें वो गा सकती है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए। और दिक्कत भी क्यों, कारण क्या है दिक्कत होने का, क्या कारण है? तो बायकॉट करने हैं तो उन सारी चीज़ों को कीजिए जो वाकई में करने लायक है। जैसे कि यहाँ पे गाली गलौज वाला कंटेंट, यूट्यूब सोशल मीडिया की सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब, जिस पर गाली गलौज से भरे कई सारे ऐसे आप लोगों को वीडियो देखने के मिल जाएगा। तो आप उन लोगों पर लगाम कसिए ना भाई, या फिर जो लोग दारू जैसे चीज़ों पर, शराब जैसे चीज़ों पर वीडियोस बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जिसे देखकर बच्चे या फिर लोग पीना स्टार्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों पर बैन लगाए ना, उन चीज़ों पर बोलिए। मैं श्याम पटेल सावधान छत्तीसगढ़ से, मैं फुल सपोर्ट करूंगा आप लोगों का, फुल 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 फुल। वैसे भी मैं शुरुआत से ही छलीवुड के खिलाफ रहा हूँ, लेकिन गलत चीज़ों की वजह से, जैसे घुसखोर, काम करवा के पैसे ना देना, फर्जी, जाहिल लोग, गवार लोग, जो जिन्हें ए से बी से सी से डी तक कुछ नहीं आता और चलते हैं ए टू जेड तक की फिल्में बनाने, मतलब पूरी फिल्म बनाने, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। हम तो 6 से 7 साल काम किए हैं भैया। तो आरू साहू जी जमीन से उठकर यहाँ पर आए हैं, भले ही उनके पीछे में किसी का सपोर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने हर एक दौर पर, हर एक जगह पर, हर एक नया मुकाम हासिल किया है, नए नए जगहों पर नए नए लोगों से उन्होंने मिला है, मुलाकात हुआ है, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका संपर्क है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जैसे विरोध प्रदर्शन किया, फिर भी इस न्यूज़ के द्वारा उन्होंने अपने तरफ से क्षमा याचना आप लोगों से मांगा है, तो आप लोग उन्हें क्षमा कीजिए, भले ही आप लोगों का दिल दुखा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, उसके लिए मैं भी आरू साहू की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मैं श्याम पटेल सावधान छत्तीसगढ़ की तरफ से, आरू साहू की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इतना बतला दूँ आप लोगों को कि माफ़ी उन लोगों से मंगवाइए जो गलत कर रहे हैं, उन लोगों से नहीं जो कि अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसे सर्च करने के लिए दौड़ोगे ना, जिसका जिन जिन लोगों को हम लोग देख देख कर बड़े हुए हैं, जिन लोगों से हमने कुछ सीख अर्जित किया है, कुछ सीख प्राप्त किया है, वो लोग आज के डेट में ऐसा कुछ बांट रहे हैं जिन्हें देखकर हम खुद फिल्म लाइन में कूदे। उनके चैनलों को आजकल देखोगे ना तो ऐसा लगता है ये वो आदमी हैं जिसकी वजह से हमने फिल्म लाइन ज्वाइन किया था, और ये आज फिल्म लाइन के नाम से, फिल्म लाइन के कंटेंट के नाम से आज क्या बांट रहे हैं, फूहड़ता, वैलगैरता, जिसे वैलगरेटी वैसे कुछ बोलते हैं, मतलब गलत चीज़ें, वैसी चीज़ें यहाँ पे बांटे जा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे? तो बायकॉट करना है तो ऐसी चीज़ों का कीजिए जो आपकी संस्कृति को वाकई में ढो रहे, दबा रहे, ख़त्म कर रहे हैं। कई सारे ऐसे फिल्में आए जिन्हें वाकई में दर्शक की ज़रूरत थी, प्रेम युद्ध, अभी जैसे हाल ही में आया था एक करण खान और दिलेश साहू जी का कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, प्रेम युद्ध को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? वो भी तो एक अच्छे कंटेंट के साथ में बना था भाई, वही लोग थे उस फिल्म में भी, वही लोग थे, बस कुछ काच लोग नहीं थे, स्टार कास्ट उसमें भी थे, कारण क्या था? हीरो नया था, हीरोइन नया था, क्या था? वीडा सेंद्रे जी थे हीरोइन उसमें, हीरो का नाम ठीक
माइंड से निकल जाता है। कितने लोगों का याद रखोगे भाई? सॉरी अब याद नहीं है इसलिए बोल देता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि अच्छा खासा पैसा लगा रहता है और उसके लिए दर्शक नहीं मिल पाते। कारण क्या है? मेन चीज़ आप लोग सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते। इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को इन्वेस्ट कहाँ करना है। आप उन जगहों पर इन्वेस्ट ना करके गलत जगहों पर इन्वेस्ट करते। अगर जितने पैसे उस जगह पर लगाते हैं ना, उतने पैसे अगर सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफार्म पर लगाते तो फिर में चल पड़ता। लेकिन इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ आरू साहू के बारे में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल चुका हूँ। तो आरू जी भले ही मुझसे छोटी होंगी, फिर भी मैं यह बोलूँगा कि वो अपनी छोटी बहन है और उनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन समर्थन में मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे अचानक भयानक उनका एक पोस्ट दिखा, जैसे राज साहू जी ने मेरे को भेजा कि ऐसा ऐसा कुछ मामला भी है उनके बारे में। बायकॉट? क्यों बायकॉट भाई? कलाकार है, कुछ भी कर सकता है। इन चीज़ों को आप समझो, और नहीं समझते हो तो एक दिन आप लोगों को मुझसे भिड़ना पड़ेगा, सावधान छत्तीसगढ़ श्याम पटेल से भिड़ना पड़ेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए सावधान छत्तीसगढ़, और 9131406291 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी एंड आरू साहू, वो बेहतरीन सिंगर हैं। तो हमें इग्नोर ना करें, अगर आप हमें इग्नोर करोगे तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि हमारा कुछ जाने वाला नहीं। और हम आपके बारे में अगर कुछ दिखाने लग गए तो समझो कि आप किसी को मुंह दिखाने वाले नहीं। तो जय जोहार, नमस्कार, मैं श्याम पटेल और आप देख रहे थे सावधान छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं दोस्तों नए खबरों के साथ में, नए वीडियो के साथ में। जय जोहार, नमस्कार।